सर रिकॉर्डिंग परमिशन दे दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही सर? सॉरी सर, म्यूट पे दब गया हेलो, सर। आ रही है सर, आ रही है। हाँ, गलती से म्यूट बटन दब गया था सर। चलिए, तो रैन भी मैं बता रहा था आपको कि रैन बिटवीन का फॉर्मूला जो है ये आपको मैं बता रहा था सर। ठीक है, रैन बिटवीन का फॉर्मूला क्या होता है? रैंडम नंबर देता है, जैसे मैंने यहाँ पे 10 और 90 डाल दिया, तो 10 और 90 के बीच के जो रैंडम नंबर्स है वो नंबर यहाँ पे शो करेगा। कोई भी नंबर शो करेगा, हर बार चेंज भी होगा। कहीं भी डबल क्लिक करेंगे ना तो ये चेंज होगा। जैसे आपका जो मोबाइल में ओटीपी होता है ना सर, ओटीपी टाइप का इसमें होता है। ठीक है सर, और फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, प्लीज म्यूट कर लें। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने हाँ कलर वलर भी यहाँ से दे दिया, यहाँ से बॉर्डर लगा दिया, यहाँ से कलर लगा दिया, ये हमारा डेटा बन गया। अब जनरली हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं, एरिया को पहले सिलेक्ट करते हैं, जिस एरिया को कॉपी करना है उस एरिया को सिलेक्ट करते हैं, और आप यहां से भी कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सर, जो होता है उससे भी कॉपी करते हैं, और जहां पे पेस्ट रिकॉर्डिंग के परमिशन, सर रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग की परमिशन। हेलो हेलो, किसको हेलो रिकॉर्डिंग की परमिशन? सर, प्रसून बोल रहा हूँ सर, सर प्रश्न जी, प्रसून बोल मैंने रहा हूँ सर। बताया ना आपको सेलफोन से ज्वाइन किए हुए आप, तो आपको कैसे मिलेगा सर मोबाइल से, रिकॉर्डिंग सर सॉरी लैपटॉप। नहीं प्रश्न जी, आपका यहाँ शो कर टैबलेट है क्या आपका? नहीं सर, लैपटॉप पे हूँ सर, लैपटॉप से ज्वाइन हूँ सर। मैं दोबारा रिज्वाइन कर लेता हूँ, कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप से आपका हूँ ज्वाइन। मोबाइल फोन शो कर रहा है। कौन सा लैपटॉप है आपका? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद कहीं भी आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते हैं, तो जैसा डेटा वैसा पेस्ट हो जाता है। लेकिन ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो आपको जानते ही है, इसको ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ कि पेस्ट स्पेशल क्या होता है, कि कभी कभी हमें पूरा का पूरा डेटा पेस्ट नहीं करना होता है। इस डेटा में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट को ही पेस्ट करना होता है। जैसे मैं इसकी सिर्फ फॉर्मूला लेना चाहता हूँ, फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल, और हम यहाँ से फॉर्मूला कर देते हैं। तो इसका सिर्फ फॉर्मूला वाला पार्ट आया। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ फॉर्मूला मतलब ये तो फॉर्मूला इसमें नहीं लगा है, तो नेम नेम बगल लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला का मतलब हुआ जो ऊपर, ये जिसको फॉर्मूला बार कहते हैं, जो फॉर्मूला बार में विजिबल है दैट फॉर्मूला, तो इस चीज को उठा के यहाँ पे रख देता है। दूसरा, किसी लोग को चाहिए कि फॉर्मूला रिमूव करके वैल्यू चाहिए, तो भी आप राइट क्लिक कर देंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ
वैल्यू वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला रिमूव होके आएगा। अभी आप देखिए नंबर चेंज हो रहा है ना सर, इस पे मत जाइए क्योंकि रैन बिटवीन का फॉर्मूला का काम ही यही है कि हर बार नंबर चेंज करता है सर, सो प्लीज इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसने फॉर्मूला रिमूव कर दिया, मतलब कि एवरी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मतलब हुआ कि जो बॉर्डर है, कलर है, ये सब चीज फॉर्मेटिंग कहलाता है, सारे फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दिया और साथ में फॉर्मूले को रिमूव कर दिया। अब फॉर्मूला रिमूव से बात आई तो मैं चाहता हूं कि ये आपके सामने, आपके पास जो ये डेटा है रैन बिटवीन लगा हुआ है, मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला रिमूव करना, मतलब कि हम कॉपी करके कहीं और तो पेस्ट करके फॉर्म रिमूव करते ही हैं, मैं चाहता हूं नहीं, मुझे कॉपी नहीं करनी है, मुझे इसी का फॉर्मूला इसी पे रिमूव करना है, मतलब जहां पे फॉर्मूला लगा है उसी पे वैल्यू पेस्ट कर देंगे तो फॉर्मूला हमारा रिमूव हो जाएगा और इसका अच्छा खासा यूज होता है। अच्छा खासा यूज क्या होता है तो चलिए आपको एक यूज मैं समझाता हूं जो पेस्ट एज ए वैल्यू का, मतलब फॉर्मूला को रिमूव करने का करते हैं। क्या उसके लिए हमें एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक रिपोर्ट फाइल। चलिए मैं सेल्स डैशबोर्ड का जो हमारा ये है हमारा ये, चलिए सिंपल डैशबोर्ड विद पिवट टेबल, नहीं स्लाइसर वगैरह लगा हुआ है इसमें, सेल्स परफॉर्मेंस सही रहेगा, इसी को हम ओपन करते हैं। ये रहा, ये एक रिपोर्ट है हमारा और क्लास करने के बाद आप इसी तरह का रिपोर्ट बनाएंगे, ध्यान रखिएगा सर। ये एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्या करता है कि कनेक्टेड है हमारे डेटा से। सब पहले जानिए कि एक सेल्स रिपोर्ट है, डैशबोर्ड है जो कि हमारे डेटा से कनेक्टेड है और कनेक्टेड होने से क्या होता है कि यहाँ पे हर एक चीज ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। ठीक है, जो भी हम करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट होगा, डेटा चेंज होगा, यहाँ ऑटोमेटिकली हर एक चीज, हर एक रिपोर्ट्स, हर एक चार्ट अपने आप अपडेट होगा। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये फाइल किसी को मेल करना है बट डेटा हमारा काफी लार्ज है तो मुझे सिर्फ रिपोर्ट भेजना है। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है मंथ, जैसे जून है, मैं यहाँ पे जुलाई सिलेक्ट कर लूंगा तो पूरा रिपोर्ट हमारा जुलाई का चेंज हो जाएगा और मुझे जुलाई का रिपोर्ट भेजना है। जुलाई का रिपोर्ट भेजना है तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं रिपोर्ट भेज दूं तो मुझे इसके साथ डेटा भेजना पड़ेगा क्योंकि ये सारे फॉर्मूले से कनेक्टेड है। दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूले से लिंक है, बहुत सारे फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है, उस फॉर्मूले से लिंक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें सर, ये सारा फॉर्मूला से, ये सब ये दिख रहा है आपको, सारा फॉर्मूला से लिंक है, यहाँ पे फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है सर, और ये फॉर्मूला डेटा से लिंक है। तो मतलब कि अगर मुझे किसी को रिपोर्ट भेजना है, कोई रिपोर्ट देख सके, जैसे मान लीजिए आप ही को भेजना है या किसी और को भेजना है, तो मुझे इसके साथ इसका डेटा भेजना पड़ेगा। बट मैं डेटा भेजना नहीं चाहता हूँ, जिसके दो कारण है। पहली कारण कि डेटा काफी बड़ा है, मेल काफी ज्यादा हो जाएगा तो मेल जाएगी नहीं या फिर दिक्कत होगा, इसलिए हम डेटा नहीं भेजना है पहले। दूसरी प्रॉब्लम कि डेटा आपका सिक्योर है, आप किसी को डेटा नहीं देना चाहते हो, आप रिपोर्ट देना चाहते हो, राइट सर। तो मुझे भेजना ही नहीं है डेटा, मुझे सिर्फ रिपोर्ट भेजना है। प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्रॉब्लम क्या है अतुल जी, प्रॉब्लम समझ में आया आपको? सिर्फ रिपोर्ट भेजना है, डेटा नहीं भेजना है। तो अभी क्या है कि मैं इसको राइट क्लिक किया सिर्फ इस रिपोर्ट के लिए, तो मुझे इसको रिपोर्ट को अलग करना पड़ेगा फाइल से ना, क्योंकि एक ही फाइल में, क्योंकि एक सीट तो जाएगी नहीं, जाएगा तो एक फाइल जाएगा ना मेल, तो मुझे इसको एक अलग फाइल पे रखना होगा। तो मैंने क्या किया कि सीट के ऊपर राइट क्लिक किया और यहां से मूव एंड कॉपी पे गया, क्रिएट कॉपी, और यहां से नई फाइल, न्यू वर्कबुक आपको दिख रहा है, न्यू वर्कबुक पे क्लिक कर दिया
एंड ओके कर दिया। रवल जी आपको समझ में आ रहा है? रुबल जी डैशबोर्ड कैसे बन गया? आपने डैशबोर्ड का आपने निकाला कहाँ से? आपने तो चलो कोई एक्सेल के अंदर फाइल पड़ी हुई थी, आपने उसमें से डैशबोर्ड निकाल दिया। एक मिनट, मैं यहाँ आपको डैशबोर्ड नहीं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि पेस्ट एज ए वैल्यू क्या करेगा। डैशबोर्ड बना तो आपको मैं सिखाऊंगा ही ना सर, पहले दिन ये सब थोड़ी सीख लीजिएगा सर। सर मेरे को आपके समझ गए सर, पहले तो मेरे को रैंडम वाली बात नहीं समझ आई सर मेरे को। रैंडम रैंड बिटवीन का फॉर्मूला मैंने डाला था, आपको पूछना चाहिए ना सर कि मुझे समझ में नहीं आया। सर एक मिनट, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। वो जब रैंड बिटवीन का था वो किसी को समझ नहीं आया क्योंकि सर तब म्यूट हो गया था, तो वो स्टार्टिंग से शीट में किसी को समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ क्या होता है कि अगर आपको कभी सैंपल नंबर चाहिए, मतलब कि सैंपल नंबर या फेक डेटा चाहिए, तो हम लोग रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं। क्योंकि आप ऐसा मान लीजिए नंबर मैनुअली कब तक लिखोगे इस तरह से, आप अगर कोई सैंपल डेटा बना रहे हो तो मैनुअली इस तरह का नंबर लिखने में दिक्कत होगा ना सर, और नंबर रियल भी नहीं लगेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि रैंड बिटवीन का फॉर्मूला देते हैं और हम कोई मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर दे देते हैं। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम देंगे बॉटम एंड टॉप, तो फॉर्मूला क्या करेगा, इसके बीच का कोई भी एक नंबर मुझे दे देगा। इसका कोई पैटर्न नहीं है। जैसे आप लोग ऑनलाइन ट्रांसफर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको एक ओटीपी मिलता है ना सर, ओटीपी। हाँ जी सर, समझ आ गया। ओटीपी हर बार चेंज होता है, उसी तरह से ये हर बार चेंज होगा और चेंज होने का कोई पैटर्न नहीं है। कहीं भी आप डबल क्लिक करेंगे ये आपका चेंज हो जाएगा। एक बार सर इसको, ओके, रैंडम नंबर लेते कहां से, ये राइट क्लिक कर? नहीं, राइट क्लिक करके नहीं देते, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इक्वल रैंड बिटवीन लिखना पड़ता है, एरो की सेलेक्ट करके टैब से सिलेक्ट करना होता है, या फिर पूरा लिख दीजिए ब्रैकेट ओपन करके और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ये फॉर्मूला है, फंक्शन है, ये कहीं से लिया नहीं जाता, आपको लिख के अप्लाई करना होता है। तो सर सैंपल डेटा बनाने के लिए लिया ना सर, मैंने बताया ना आपको सैंपल डेटा बनाने के लिए मैं लेता हूँ। अगर मान लीजिए मैं नहीं लेता तो मुझे सारा नंबर टाइप करना पड़ता ना सर। ग्रेट सर, समझ आ गया। समझ में आया अतुल जी? समझ में आया? आ गया सर। रुबल जी आपको? आ गया सर, समझ आ गया। अब मैं ये बता रहा था पेस्ट एज ए वैल्यू क्या है कि एक फॉर्मूला, एक कमांड है कॉपी, और जहां पे हम पेस्ट करते हैं वो है राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज वैल्यू। इसका काम क्या है, फॉर्मूला रिमूव, फॉर्मूला फॉर्मेटिंग रिमूव करके पेस्ट करना, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास एक रिपोर्ट है जो कि कई सारे फॉर्मूले से कनेक्ट होके बना हुआ है। अब एक कैसे बना है ये हमारे फ्यूचर क्लासेस की टॉपिक है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। ये समझिए कि इस रिपोर्ट को मुझे किसी को मेल करना है, लेकिन मैं रिपोर्ट को मेल करूंगा तो मुझे डेटा नहीं भेजना है। तो डेटा नहीं भेजना है तो मुझे इस फाइल, इस सीट को कॉपी करके बाहर किसी फाइल में ले जाना होगा। तो हम यहाँ जो सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, उससे अच्छा है कि पूरी सीट को कॉपी करने का तरीका है, सीट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, मूव एंड कॉपी। अगर आपको मूव करना है, कट करना है, तो आप जो है कोई क्लिक नहीं कीजिए, अगर कॉपी करना है तो क्रिएट कॉपी और यहाँ पे न्यू वर्कबुक सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि एक नई फाइल में वो आपकी पूरी सीट को जैसा है सेम फॉर्मेट में आपको पेस्ट कर दे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो फॉर्मूला रिमूव नहीं किया, दिख रहा है सर आप? अब मैं फाइल अगर आपको मेल कर दूं तो इस फाइल इसमें जितने भी फीचर्स है वो आपके यहाँ वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सेल्स परफॉर्मेंस की जो फाइल है ये मेरे सिस्टम पे स्टोर है, ना कि आपके सिस्टम पे स्टोर है। और इसकी डेटा सोर्स मैं आपको दे भी नहीं सकता क्योंकि देना नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा कि ये जो आपके एबीसीडी जो होते हैं 1 2 3 होते हैं, उसके बीच में जो एक ट्रायंगल होता है उस पर क्लिक कीजिए।
एस पे क्लिक करने से क्या होता है कि पूरी एंटायर शीट सिलेक्ट हो जाती है, क्योंकि कॉपी करने के लिए सिलेक्शन जरूरी है, जितना एरिया सिलेक्ट होगा उतना ही एरिया कॉपी होगा, तो पूरा का पूरा शीट सिलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने इसको कॉपी किया और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, जो डेटा सोर्स से मेरा लिंक था, मेरा जो डेटा सोर्स से लिंक था वो लिंक टूट गया। देखिए तो ये सारा नॉर्मल जैसे डेटा एंट्री होता है ना सर, वो नॉर्मल डेटा एंट्री हो गया। अब मैं फाइल आपको भेजूंगा तो हर एक इंफॉर्मेशन आप देख पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसकी डेटा सोर्स से मैंने इसकी लिंक को ब्रेक कर दिया पेस्ट एज ए वैल्यू से। पेस्ट एज ए वैल्यू क्या करता है, एवरीथिंग को रिमूव करता है और जो कंटेन है उसी कंटेन को कॉपी पेस्ट करता है। लेकिन आप उसी के ऊपर उसको पेस्ट कर देते हैं, जहां से आपने कॉपी किया उसी के ऊपर पेस्ट कर दिया, तो उसके सारे फॉर्मूले को रिमूव कर देता है और नॉर्मल डेटा एंट्री की तरह डेटा रख देता है। ये सबको समझ में आ गया है, किसी को अभी भी डाउट है? सर डाउट है एक बारी दोबारा से, क्योंकि मैंने जब किया आप जैसे बता रहे हैं, मैंने जैसे शीट को कॉपी किया, आपके पास जो डेटा था राइट, आपने उसको बोला आपको कॉपी करना है तो पहले आप पेज स्पेशल में जाइए, पेज स्पेशल में जाने के बाद सर वो उसमें सोर्स आ रहा है पेस्ट। एक मिनट में, सबसे पहले आपको तो सिलेक्ट करना है एरिया को जिसको कॉपी करके करना है, ठीक है, फर्स्ट सिलेक्शन। सेकेंड क्या करना है, सेकेंड करना है कि अगर आपको उसको कॉपी जो कॉपी करना है कंट्रोल सी करना है राइट। अब कंट्रोल सी करने के बाद अगर आपको उसकी फॉर्मूला रिमूव करनी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसी के ऊपर राइट क्लिक करें आप पेस्ट स्पेशल और यहाँ पेस्ट एज ए वैल्यू को सिलेक्ट करें एंड ओके। ओके समझ गया, लेकिन आपको इसको कॉपी करके कहीं और रखना है ओके, तो आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट एज ए वैल्यू करें, फॉर्मूला करें, फॉर्मेटिंग करें, बहुत सारे चीजें है उसमें ओके। मतलब कि पेस्ट एज ए, देख कॉपी और पेस्ट होता है कि जैसे एक तरह का डेटा को दूसरे जगह पे टाइप ना करके आप वहां पे चिपका दिए, जैसे कि फोटो स्टेट होती है ना सर, जस्ट लाइक फोटो स्टेट। लेकिन पेस्ट में भी हम क्या करते हैं कि हम सारे चीज नहीं चाहिए, कुछ चेंजेबल चाहिए, जैसे कि मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ लेकिन मुझे इसमें क्या ना फॉर्मूला चाहिए ना वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, मतलब कि जो बॉर्डर लगा है, जो कलर लगा है वो फॉर्मेटिंग चाहिए। तो उस केस में करेंगे पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मेट, ठीक है। ऑल क्लिक करोगे तो जैसा है वैसा, सेम जैसा है सेम उसी तरह से कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा एकदम। फॉर्मूला करोगे तो जो फॉर्मूला बार में विजुअल होगा वही पेस्ट होगा, फॉर्मूला हुआ तो फॉर्मूला, वैल्यू हुआ तो वैल्यू, वैल्यू करोगे तो क्या करेगा सब कुछ रिमूव करके पेस्ट करेगा, फॉर्मूला फॉर्मेटिंग सब रिमूव कर देगा, जैसा डेटा आपको दिखता है वैसे ही पेस्ट होगा ओरिजिनल। फॉर्मेट आप करते हैं तो सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी, बाकी कोई चीज पेस्ट नहीं होगी, फॉर्मूला वैल्यू पेस्ट नहीं होगा। अब अगला आता है कमेंट। सबसे पहले कमेंट जाने, कमेंट क्या होता है, जैसे कि मार्क्स है आपका, तो आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे प्राइज होता है और उसमें स्टार लगा होता है और नीचे जो है स्टार के बारे में दिया होता है, तो क्या होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, टर्म एंड कंडीशन टाइप का। ऐसे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चलना चाहते हैं, रखना चाहते हैं किसी सेल पे, तो हम यूज करते हैं कमेंट। तो कैसे कमेंट डालेंगे, उस पे कर्सर पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक और पहले आप कीजिए इंसर्ट कमेंट। यहाँ पे आपके जो कंप्यूटर का यूजर आईडी होगा वो आ जाएगा, अगर रखना है तो रखिए, रखिए अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर दो सिलेक्ट करके। अब यहाँ पे लिखते हैं, मैं लिख दिया कि दिस इज फाइनल मार्क्स, ये मैंने एक इंफॉर्मेशन डाल दी। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमेशा नहीं दिखेगी, कब दिखेगी, जब इस पे हमारा माउस पॉइंटर जाएगा, ठीक है।
माउस पॉइंटर गया तो दिखा, माउस पॉइंटर हटा तो नहीं दिखेगा। अब मैं इसको कॉपी करके किसी भी लोकेशन में पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसका जो वैल्यू है मतलब कि जो मार्क्स इट्स वैल्यू याद रखिएगा, या कोई फॉर्मूला रैन बिटवीन इस फॉर्मूला वैल्यू फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक कमेंट चाहिए जो कमेंट हमने इंसर्ट किया है। तो उस राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे हम कमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, तो सिर्फ कमेंट्स को, ठीक है, बाकी चीज नहीं आया, देखा आपको सिर्फ कमेंट आया और जितना सिलेक्टेड था उतने में आया। अब कॉपी करना चाहते हैं लेकिन मैं इसका बॉर्डर नहीं चाहता हूँ, बाकी सब चाहता हूँ, जो लाइनिंग जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये जो लाइनिंग जिधर दिख रही है ग्रिड लाइन है, ये प्रिंट में नहीं आता, ये आपको बताया गया है, आपको दिखाने के लिए दिया गया है कि हाँ एक कॉलम का बॉर्डर यहाँ पर है। इसको आप हटा भी सकते हैं, पेज लेआउट में जाके यहाँ से अनचेक कर दीजिए, आपका हट जाएगा, ये आपकी सुविधा के लिए। लेकिन जो बॉर्डर आप होम में जैसे यहाँ पे जाके ये बॉर्डर होता है लगा देते हैं, वो आपका प्रिंटेबल होता है। तो मुझे सब कुछ पेस्ट करना है, जो बॉर्डर है ब्लैक लाइन जो है वो नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे होता है ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर, इसको सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दो। आप देखिए जो ब्लैक लाइनिंग थी वो नहीं आया हुआ है। तो अभी आपने क्या क्या सीखा, अभी आपने पेस्ट स्पेशल में सीखा फॉर्मूला, पेस्ट एज ए फॉर्मूला, पेस्ट एज ए ऑल मतलब जैसा है वैसा कॉपी पेस्ट करना, पेस्ट एज ए फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला को पेस्ट करेगा, पेस्ट एज ए वैल्यू सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करेगा, पेस्ट एज ए फॉर्मेट सिर्फ फॉर्मेटिंग को पेस्ट करेगा, पेस्ट एज ए कमेंट सिर्फ कमेंट को पेस्ट करेगा, पेस्ट एज ए ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर सब कुछ पेस्ट करेगा, बॉर्डर पेस्ट नहीं करेगा। आप सोच रहे हो कि मैं दो चीज क्यों छोड़ दिया, ये आगे के टॉपिक के साथ कनेक्टेड है, तो ये चीजें हम वहां पे सीखेंगे। तो इसलिए कुछ टॉपिक मैं छोड़ दूंगा, मतलब कि फ्यूचर की क्लासेस के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे अगला आता है कॉलम विड्थ। अब कॉलम विड्थ को समझिए क्या होता है। देखिए जैसे कि अभी मैंने जो रिपोर्ट खोला था उसमें देखा था कि मैंने बहुत सारे कॉलम के साइज को अपने हिसाब से फिट किया हुआ है। तो होता है क्या है कि डिफॉल्ट आपकी जो कॉलम की साइज होती है 8.43 समथिंग होता है विड्थ इसका करेक्टर, लेकिन क्या है एज पर रिक्वायरमेंट हम उसकी साइज को अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर देते हैं ताकि वो एक विंडो पे दिखे, प्रिंट आउट जब ले तो एक पेज पे प्रिंट हो, उस हिसाब से हम लोग कॉलम को छोटा बड़ा कर लेते हैं जब जरूरत पड़ती है तब। और कैसे करेंगे हम आगे सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल समझिए कि ये किया हुआ है। लेकिन जब इसको आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपका कॉलम विड्थ जो है वो चेंज नहीं होता, मतलब कि जहां से आप कॉपी करते हैं हर एक चीज को कॉपी करके पेस्ट कर देता है बट कॉलम का विड्थ को कॉपी पेस्ट नहीं होता। तो आप चाहते हैं कि हमारा कॉलम विड्थ भी पेस्ट हो, तो उसके लिए क्या कीजिए कि पहले नॉर्मल पेस्ट कीजिए, फिर उसी के ऊपर कर्सर रख के यहाँ पे पेस्ट स्पेशल और यहाँ आपके पास आता है कॉलम विड्थ, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। एक मैं आपको पेस्ट करने के बाद क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब आप पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वो कॉलम की साइज को पेस्ट करेगा न कि पूरी डेटा को। ठीक है, तो उसके लिए इसी के ऊपर एक बार और पेस्ट कर दीजिए नॉर्मल कॉपी पेस्ट, तो आपका यहां पे पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें आपको, किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हाँ सर एक डाउट है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ सर देखिए, जैसे आपने बोला कि अगर हम कॉलम ब्रेड सेम चाहते हैं तो जब आपने कॉपी पेस्ट किया राइट क्लिक कर कॉलम ब्रेड को आपने चूज किया तो वो सेम ले लेगा जो हमारा डाटा का पहले वाली सिलेक्शन का है, कॉलम ब्रेड वो ले लेगा। सपोज हम लोग ये भूल जाते हैं, लेट्स से हम लोग दो तीन और कॉलम ब्रेड कॉपी कर लेते हैं लेकिन हमें बाद में याद रहता है कि उन चार जो चीज कॉपी किए सबके कॉलम ब्रेड हमें ओरिजिनल के टाइप चाहिए, तो तब भी करेंगे तब भी आ जाएगा उसमें? हाँ आ जाएगा, ले लेगा फिर। हाँ अच्छा ठीक है ना।
ऐसा जरूरी नहीं कि उसी समय करना है, आप कभी भी कर सकते हैं, हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ता बाद भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो उसी का डाटा ले लेगा वहीं से, मतलब वो जो ओरिजिनल पेज था उसी का कॉलम प्रिंट ले लेगा। हाँ हाँ ठीक है सर। लेकिन ये सेम शीट में होना चाहिए या सर डिफरेंट शीट में भी ले लेगा वो? कहीं भी, सेम शीट, डिफरेंट शीट, डिफरेंट फाइल, बस एक्सेल ही होगा। ठीक, राइट। अब मान लो आपके डेटा में डेट वगैरह भी होता होगा, तो कभी डेट को वैल्यू एज ए पेस्ट किया आपने, पेस्ट एज ए वैल्यू किया है कभी रुपल जी? दीपक जी, रुपल जी, आपने किया है कभी? किया है सर, वो डेट या फिर नंबर, नंबर हुआ था वो। ओके, तो ये नंबर होता क्या है इसके बारे में पता है आपको? जब मैं इसको राइट क्लिक किया और राइट, हमने हमने इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह फॉर्मूले वगैरह नहीं चाहिए, तो हम पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट एज ए ये कर देते हैं, वैल्यू कर देते हैं या फॉर्मूला कर देते हैं, तो क्या होता है ये नंबर बन जाता है। तो अतुल जी, दीपक जी, रुबल जी और भी जो लोग है, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, क्या नंबर है क्या बताएंगे आप? सर जब से हमारा एक्सेल स्टार्ट हुआ था ना, तब से कुछ आज की डेट माइनस होती है तो वो नंबर बनता है ये। ओके, और अतुल जी? सर मुझे तो कोई आईडिया नहीं सर। रुबल जी? ये नंबर का हम जब कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली डेट उठा लेगा जी। देखिए क्या है कि ये नंबर ऑफ डेज है, कि जब से आपका कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से जो डेट आप डाल रहे हैं तब तक कितने दिन हुए। दीपक जी ने सही बोला था, मैं कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट कब से हुआ है, 1st January 1900 से, 1900 से स्टार्ट हुआ है। अब अपने कंप्यूटर आपके कंप्यूटर कैलेंडर में जाके देखेंगे ना, तो उससे पहले के डेट आपको नहीं दिखेगी। तो सबसे पहला आप जान लीजिए कि अगर आप कोई डेट डालते हैं 1900 से पहले की, जैसे मैंने 10 अगस्त 1856, तो सबसे पहले जानिए कि डेट नहीं है, सिस्टम इसको डेट कंसीडर नहीं कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है। क्योंकि इसपे अगर आप 10 दिन बाद का डेट कर लिया, आपने इसपे प्लस 10 कर दिया, तो रिजल्ट आपका वैल्यू आ गया, मतलब कि आपकी कंप्यूटर 1st January 1900 से पहले की डेट को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं एज ए टेक्स्ट, एबीसीडी नाम वगैरह होता है वो समझता है। तो अब एक 1st January 1900 को स्टार्ट हुआ था, अब ये साबित कैसे करेंगे कि 43,647 जो नंबर ऑफ डेज है, ये सच में नंबर ऑफ डेज है या कोई कोड है? तो इसके लिए मैंने एक लिखा और इसके ऊपर डेट का फॉर्मेट, यहाँ जनरल में देखेंगे डेट का फॉर्मेट होता है, अपने हिसाब से जो डेट का फॉर्मेट रखना चाहे रख सकते हैं। तो डेट का फॉर्मेट देखिए आ गया 1/1900, मतलब कि पहला दिन सर कंप्यूटर का तो 1900 था। अब मैं कुछ चेंज करता हूँ, मैंने 367 दिन डाल दिया, ये देखिए ईयर चेंज हो गया। अगर मैं मान लीजिए कि 32 दिन डाल दिया तो मंथ चेंज हो गया, ऐसे मैं 43,647 दिन डाल दिया तो ये आपका हो गया 1st July 2019। तो इससे साबित होता है कि ये जो नंबर्स है नंबर ऑफ डेज है। लेकिन आखिर में ऐसा किया क्यों प्रोग्रामर ने? देखिए एक्सेल का नियम ये है कि किसी भी नंबर के साथ किसी भी तरह का करेक्टर अगर ऐड करते लिखते हैं तो उसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो उसमें कुछ भी नंबर को जोड़ घटाओ नहीं कर सकते, वो एरर आएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि डेट है, अगर मैंने इसका फॉर्मेट चेंज किया हुआ है, अब इसमें मैं अगर कुछ ऐड करता हूं तो ये ऐड हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट हटा के जनरल फॉर्मेट आप कर देंगे तो नंबर होगा, मतलब कि कंप्यूटर के लिए, एक्सेल के लिए ए जो है आपका 1 जुलाई नहीं है, ये क्या है 43,657 और उसमें 20 ऐड होके 43,667 रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जब इसमें हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो 31 के बाद महीना और 365 के बाद दिन चेंज करके ये आपके एक डेट फॉर्मेट में दिखाता है, और ये सिर्फ विजुअल है, ओरिजिनल नहीं है, स्टोर ऐसा नहीं हुआ है, स्टोर आपका जो हुआ है 43,647 ही हुआ है, बट आपको दिख ऐसा रहा है।
ठीक है अतुल जी, समझ में आ गया कि ऐसा डेट नंबर क्यों आते हैं? से कंप्लीटली तो नहीं आया, टाइम लगेगा, बट आई विल रिव्यू इट। हाँ, जैसे आप इसको कॉपी कर क्योंकि डेट एंड टाइम कैलकुलेशन जब पढ़ाऊंगा मैं आपको तो इसमें सब क्लियर हो जाएगा। मैं ये समझा रहा था कि कभी आपने कॉपी कर दिया, कॉपी करके वैल्यू पेस्ट किया और आपके डेटा में डेट करने का मतलब है डेट हुआ, ये नंबर बन जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ ऊपर नंबर के ऊपर जर्नल है, इसमें जाएं और यहाँ पे आप जो है डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर दे, या फिर इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट हैश, ठीक है जी सर। लेकिन कॉपी करते समय आपको पता है कि एक डेट है, टाइम है, तो आप जो है पेस्ट स्पेशल करते समय वैल्यू को सिलेक्ट ना करें या फॉर्मूला को सिलेक्ट ना करें। आपके पास ऑप्शन होता है वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट एंड फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट, इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करके जब आप पेस्ट करेंगे, जो पेस्ट होगा तो उसमें आपका फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, फॉर्मूला नहीं आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो नंबर की फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कि डेट, जैसे कि टाइम, जैसे कि डॉलर साइन, रुपीज का साइन, डेसिमल, कॉमा, ये सब चीजें को पेस्ट करेगा, ठीक है सर। आपको डेट चेंज करने की या टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मेटेड उठा लेगा। हाँ रवल जी, कुछ पूछ रहे हैं मेरे का सर? एक आपने वो रेड कलर का कर्सर लगाया है, वो जहाँ पर आपने लिखा था ये साइड पे मार्क्स के ऊपर कर्सर लगाई, ये कहाँ से लगाया आपने? दिस इज फाइनल मार्क्स। आप शायद ध्यान से नहीं देख रहे हैं ना, मैंने बताया था ना इसको कि मैंने इसको कमेंट यूज किया था, राइट क्लिक इंसर्ट कमेंट। ठीक है सर, समझ गया जी, यहाँ से लिया। समझ गया। और किसी को डाउट है? चलिए अब इसमें अगला ऑप्शन आता है।